और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के शमगढ़ा से है, जहां पर बेकाबू ट्रक ने लड़के को टक्कर मार दी, जिसके बाद लड़के की हालत नाजुक बन गई। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के शमगढ़ा से है, जहां पर इकोना से सिसवाड़ा भरथापुर जा रहे बाइक सवार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 13 वर्षीय अलकम पुत्र पप्पू निवासी सिसवाड़ा भरथापुर बाइक से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसे गंभीर चोटें आई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने उसे लाकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद लड़के की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया। बताया जा रहा है कि बाइक से गिरने के बाद लड़के के ऊपर ही ट्रक चढ़ गया, जिसके चलते लड़के का एक पैर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसे में उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद लड़के की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजन उसे बहराइच लेकर रवाना हुए। श्रावस्ती जनपद के सिसवाड़ा भरथापुर निवासी 13 वर्षीय अलकम पुत्र पप्पू बाइक पर सवार होकर अपने परिजनों के साथ इकोना से वापस अपने घर जा रहा था। जब वो शमगढ़ा के पास पहुंचा, तभी पीछे से ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार अलकम गिर गया और उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने लाकर उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद लड़के की हालत बेहद गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया। परिजन एम्बुलेंस की सहायता से लेकर उसे बहराइच रवाना हुए। श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें। लाइव भी अब डरवा है क्या? हाँ, टूटो पहले जाओ।